हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 4 के बारे में, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च हुआ है अभी मार्केट के अंदर, और इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन अपने को देखने को मिलेंगे वो सारी बातें मैं आपको जल्दी से बताऊंगा। बिना बकवास करे अपन सब फटाफट से अपनी वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं इसके अंदर अपने को क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, और ये अपने लिए इस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर, जो कि प्राइस मैं आपको बताऊंगा वीडियो की लास्ट में, तो ये इस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर अपने लिए बिल्कुल सही है या नहीं है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी बॉडी के बारे में। तो ये अपने को 187 ग्राम्स का इसका अप्रोक्सीमेट वेट रहने वाला है, जो कि काफी लाइटर है बाकी स्मार्टफोन्स के कंपेरिजन के अंदर। सैमसंग के अंदर ये अपने को थोड़ा लाइट वेट का मिलने वाला है। फिर अपन दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी अपने को प्लास्टिक फ्रंट मिलने वाला है एंड द ग्लास बैक होने वाला है, साथ में एल्युमिनियम फ्रेम मिलने वाला है साइड का। इसके अपने वाटर रेजिस्टेंस की बात करूं तो IPX8 का इसके अंदर अपने को वाटर रेजिस्टेंस सपोर्ट करता है, जो कि काफी बेटर है बाकी स्मार्टफोन्स के कंपेरिजन में। जी हाँ, इसकी प्राइस भी काफी बेटर है बाकी स्मार्टफोन्स के कंपेरिजन में, काफी मतलब एक अच्छी रेंज तक के अपने को फोन मिलेगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो वो है अपना डिस्प्ले। तो इसके अंदर अपने को 6.7 इंचेस का डिस्प्ले मिलने वाला है, और जब अपन इसको फोल्ड करके देखेंगे, जब अपन इसको फ्लिप करके चलाएंगे, जिसके अंदर अपने को नॉर्मल टाइम डेट एंड यूजेज वगैरह जो भी अपन देख सकते हैं, तो वो अपने को 1.9 इंचेस की स्क्रीन मिलने वाली है। तो जो इसकी जो मेन स्क्रीन है, जो कि 6.7 इंचेस की अपने को बिग वाली स्क्रीन, जो इसके अंदर अपने को बड़ी वाली स्क्रीन देखने को मिलेगी, तो वो 120 हर्ट्ज को सपोर्ट करती है। साथ ही में एमोलेड स्क्रीन कहलाएगी एंड HDR10+ भी इसके अंदर सपोर्ट होता है। फिर इसके अंदर जो 1.9 इंचेस वाली जो स्क्रीन है, उसके अंदर भी 120 हर्ट्ज अपने को देखने को मिलेगा, साथ ही में HDR10+। फिर मैं आपको बताता हूँ इसके परफॉर्मेंस के बारे में, इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसके अंदर अपने को जो चिपसेट मिलेगी वो मिलेगी Qualcomm Snapdragon 8+Gen1 वाली, जो कि 4nm की जो अपने चिप आती है, जो अपने 4nm के कोर आते हैं उसके साथ अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इसके अंदर जो अपने को OS है वो Android 12 है। जी हाँ, Android 13 भी लॉन्च हो चुका है, वो बहुत ही जल्दी इस स्मार्टफोन के अंदर भी अपडेट आ जाएगा, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो अपन थे इसके परफॉर्मेंस के ऊपर, तो इसके अंदर अपने को चिपसेट मिलने वाला है Qualcomm का एंड OS मिलने वाला है Android 12। फिर मैं आपको बताता हूँ इसके मेमोरी स्टोरेज के बारे में। तो इसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल चिप नहीं लगती, कोई भी एक्सटर्नल अपना मेमोरी कार्ड नहीं लगता, लेकिन इसके इंटरनल स्टोरेज अपने के पास 128GB एंड 256GB दो वेरियंट्स के अंदर अवेलेबल होने वाले हैं विद द 8GB रैम। फिर अब बात कर लेते फटाफट से अपने कैमरा को लेकर, तो इसके अंदर दोनों ही 12 MP के कैमरा मिलेंगे, वन इज प्राइमरी कैमरा एंड सेकेंड वन इज अल्ट्रा वाइड कैमरा, जो कि काफी क्लासिक फोटो अपने को क्लिक करके देगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि बिल्कुल वर्थ फुल है अपने इस प्राइस के ऊपर, कि कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छी है 12 MP के अंदर ही, एंड जो अपना फ्रंट कैमरा है वो अपने को 10 MP का मिलने वाला है। फिर कुछ कॉमन फीचर्स है, कुछ कॉमन बातें हैं जो इसके स्मार्टफोन के अंदर अपने को देखने को मिलेगी और सभी स्मार्टफोन में देखने को मिलती है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर अपने को वाईफाई 802 की कनेक्टिविटी मिलेगी, ब्लूटूथ 5.2 की कनेक्टिविटी मिलेगी एंड GPS इसके अंदर है, NFS इसके अंदर है, रेडियो इसके अंदर नहीं है, और जो USB टाइप है तो वो टाइप सी दिया हुआ है 2.0, ये अपने को USB टाइप इसके अंदर देखने को मिलेगा। फिर अपन चलते हैं फटाफट से अपने बैटरी की तरफ, तो इसके अंदर अपने को 3700 mAh की बैटरी मिलने वाली है, जो कि ये माना जाता है कि एक तो काफी जल्दी चार्ज हो जाएगी अपने जिसके अंदर अपने को अडेप्टर मिलेगा उससे, एंड सेकंड वन इसके पूरे दिन ये आराम से रन कर सकती है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके प्राइस के बारे में। तो इसके अंदर अपने को ये जो प्राइस है, ये अपने को अप्रॉक्स 85,000 का पड़ने वाला है इंडियन करेंसी के अंदर, बाकी की करेंसी का मुझे अभी कुछ आइडिया है नहीं, लेकिन इंडियन करेंसी में ही अपने को 85,000 अप्रॉक्स पड़ेगा। अब इस हिसाब से जो जो मैंने आपको फीचर बताए हैं वो आपको कैसे लगे, सही लगे, बुरे लगे, अच्छे लगे, बहुत अच्छा लगे, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही में नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी पाना चाहते हैं वो भी मुझे बता दीजिए, और मैं एंड्रॉइड 13 के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, तो वहां से भी आप अपडेट ले सकते हैं कि एंड्रॉइड 13 होता क्या है, एंड्रॉइड 12 होता क्या है, और उसके अपडेट आने से अपने को क्या क्या फायदा होने वाला है इस स्मार्टफोन के अंदर भी, एंड बाकी अगर आपके पास कोई दूसरा स्मार्टफोन है तो उसके अंदर भी। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।